अकाल मूरत, अकाल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। अब काल का जो अर्थ कई बारी डेथ भी आता है, मौत, यहां पर काल का जो अर्थ है वो है समय, टाइम। अकाल मतलब बियॉन्ड टाइम, जो टाइम के बीच में नहीं आता। हम टाइम में आते हैं ना, अब टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम हो गया, सेशन चला, अभी थोड़े टाइम बाद सेशन खत्म हो जाएगा। हम आए हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारा आने का टाइम है, जाने का टाइम है, सोने का टाइम, हर चीज़ का टाइम है, और टाइम चलता रहेगा, टाइम नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन जो वो है ना, वो टाइम से बियॉन्ड है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन हाउ अमेजिंग एंड हाउ बिग ही इज। तो वो टाइम से परे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, टाइम से परे हैं मतलब वो इस टाइम से भी परे हैं, ठीक है, और वो जब समय नहीं बना था ना, इस पूरी क्रिएशन में समय नहीं था, सबसे पहले क्या था, डार्कनेस थी, कुछ भी नहीं था, वो बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल आगे जाके समझाएंगे। तो जब ये सृष्टि पूरी की पूरी बनी, समय आया, समय, समय कैसे कैलकुलेट होता है, सूरज से और चंद्रमा से, सन एंड मून, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं समय को। पर जो वाहेगुरु जी हैं वो सूरज और मून से भी बियॉन्ड है। जो सूरज और मून है ना, वो भी वाहेगुरु जी के पैर में है, उनके डर में। सो अकाल मूरत। अब यहाँ पर कई कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर वो टाइम में ही नहीं आते, वो टाइम से बियॉन्ड है, तो मतलब क्या पता कुछ काल्पनिक तो नहीं है, कुछ इमेजिनरी तो नहीं है। साथ में ही गुरु पातशाह जी, सच्चे पातशाह जी ने लिख दिया अकाल मूरत। मूरत क्या होता है? मूरत जिसकी फॉर्म है मूरत, वो बे टाइम हो के भी वो प्रेजेंट है,